न्यूज में आपके साथ संकल्प तिवारी। सोनभद्र में हुए नरसंहार के बाद प्रदेश भर में सियासत गरमाने लगी है। कानून व्यवस्था के नाम पर सूबे की योगी सरकार विरोधियों के निशाने पर है। शुक्रवार को कांग्रेस की यूपी प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को सोनभद्र जाते समय मिर्जापुर के चुनार में हिरासत में ले लिया गया। प्रियंका गांधी के हिरासत में लिए जाने की खबर फैलते ही प्रदेश भर में कांग्रेसी सड़क पर उतर आए, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने को लेकर नाराज कांग्रेसियों ने शाहजहांपुर शहीद पार्क में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रियंका को तत्काल रिहा करने की मांग करते रहे। इस दौरान कांग्रेसियों ने घंटों विरोध में प्रदर्शन किया। लगातार कांग्रेसी नेताओं की बढ़ रही भीड़ को देखते हुए पुलिस ने हिरासत में लेकर सदर बाजार थाने ले आई है। शाहजहांपुर से नवनीत शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश नहीं, ये पूरे देश की स्थिति है कि यदि कोई पीड़ित है और यदि हम लोग उसके हाल चाल या उसके संवेदना व्यक्त करने जाते हैं तो सरकारें पुलिस प्रशासन का पूरा बल प्रयोग करके, और आज हम लोग उनके दुख सुख में जा भी नहीं सकते। हमारी राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय बहन प्रियंका जी, जो अभी दो दिन पहले एक घटना हुई जिसमें 10 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और उन्हीं के परिवार के करीब एक दर्जन लोग जिला वो अस्पताल में भर्ती हैं। आज वो दिल्ली से चलकर बनारस गई थी। बनारस में उन्होंने जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनका हाल चाल जाना, उसके बाद उन्होंने मन बनाया कि जिस गांव में जिस गरीब परिवारों के साथ ये घटना हुई उनके जाकर के हम दुख साझा करेंगे और उनसे पूरी जानकारी लेंगे। जैसे ही बनारस से चली 15 किलोमीटर आगे एक पुलिस चौकी पर उनको रोक दिया गया। उन्होंने वहाँ पर धरना दिया। धरना देने के बाद उन्होंने पूछा कि आपने मुझे रोका क्यों, मैं तो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा था। तो प्रशासन ने उनको बताया कि मैंने धारा 144 लगा रखी है। धारा 144 तीन लोगों पर लागू नहीं होती। प्रियंका जी व उनके साथ दो लोग और गाड़ी में थे, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ तीन लोग जाना चाहता हूँ। उनको तब भी नहीं जाने दिया गया और उन्हें वहाँ पर एक गेस्ट हाउस में ले जा करके गिरफ्तार कर लिया गया। डीजीपी महोदय एक बयान दे रहे हैं कि मैंने उनकी गिरफ्तारी नहीं की, जबकि वो बाकायदा एक गेस्ट हाउस में बाकायदा बैठी हैं और इतना फोर्स लगा है कि कोई उनके पास जा भी नहीं सकता। ये हमारे प्रदेश की स्थिति है। योगी राज जो राम राज की बात करते हैं, आज यही राम राज्य है। मैं शाहजहांपुर की भी इतनी घटनाएं हो चुकी, आप लोग वाकिफ होंगे, लेकिन आप लोग चाहने के बावजूद भी उन घटनाओं का पर्दाफाश नहीं कर सकते, क्योंकि पर्दाफाश करेंगे तो जिन जिन मीडिया वालों ने किसी घटना को जाकर किया तो वो लोग जेल चले गए। इतना दबाव, जो एक चौथा स्तंभ जिससे बदौलत न्याय मिलता था, आज वो लोग भी सुरक्षित नहीं जो मेरी सुरक्षा करते हैं। अभी आपने संभल में देखा कि दो सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी गई। आखिरकार जो जेल में लोग हैं उनके पास कहाँ से असलाह, कहाँ से मिर्चा, कहाँ से सब चीज़ आती है? तो बिल्कुल जंगल आज कायम है। आज हम लोगों ने तय कर लिया है, प्रियंका जी को संदेश दे दिया कि आप संघर्ष करो, और संघर्ष की चिंगारी हमेशा शाहजहांपुर से शुरू होती है। यहाँ पर 1947 में 3-3 शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शाहजहांपुर जनपद में सर्वाधिक हुए पूरे देश में, तो ये फिर वही ज्वाला शुरू होगी। और ये तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे जब तक इस प्रदेश में इस सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे।